स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन टू बताऊंगा 12th क्लास का, जिसका नाम है ए फेलो ट्रेवलर और इसके राइटर हैं ए जी गार्डिनर। सबसे पहले मैं आथर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा अबाउट द आथर। ए जी गार्डिनर वाज बॉर्न इन 1865। ए जी गार्डिनर का जन्म 1865 में हुआ था। ही ए फेमस इससे ईस्ट ऑफ द मॉडर्न एज, आधुनिक समय के हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ही रोट मेनी ऑफ हिज एसे अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लाउ। उन्होंने ऐसे बहुत से निबंधों की रचना की, बहुत से निबंध लिखे, बहुत से लेख लिखे, जिसका पेन नेम था अल्फा ऑफ द प्लाउ, मतलब अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से उन्होंने बहुत सी निबंधों की रचना की। ही वाज द एडिटर ऑफ ए फेमस लंदन न्यूज़पेपर द डेली न्यूज फॉर 17 ईयर्स। वह 17 सालों तक लंदन के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र द डेली न्यूज के संपादक भी रहे। 17 सालों तक उन्होंने संपादन का कार्य भी किया। सो सम ऑफ हिज एसे बियर द स्टैम्प ऑफ हिज जर्नलिज्म, दो दे आर हाईली एंजॉयबल पीसेस ऑफ ब्रिलियंट प्रोज। इसलिए उनके बहुत से ऐसे हैं जो उनकी पत्रकारिता को भी दिखाते हैं और बहुत ही आनंददायक हैं, बहुत ही दिलचस्प हैं गद्य साहित्य में। हिज प्रोमिनेंट वर्क आर प्रिस्ट एंड किंग, पेबल्स ऑन सो एंड लीव्स इन विंड। उन्होंने बहुत सी कृतियाँ सृजित की, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध, कुछ प्रधान कृतियाँ हैं प्रिस्ट एंड किंग, पेबल्स एंड पेबल्स ऑन द सोर, और तीसरी जो प्रधान कृति है वह है लीव्स इन विंड। ही बेस्ट नन फॉर हिज डिलाइटफुल एसे ऑन ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट पर्सनल सिविल एंड सोशल। उनको एक बहुत ही दिलचस्प लेख, बहुत ही दिलचस्प लेखक के रूप में जाना जाता था और उनके जो एसे होते थे काफ़ी आनंददायक हुआ करते थे और उनके लेखों का जो विषय हुआ करता था वह पर्सनल हुआ करता था, सिविल हुआ करता था, सोशल हुआ करता था, मतलब व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवसायिक तमाम विषयों से संबंधित उन्होंने लेखों की रचना की। ही इज ए मास्टर ऑफ पर्सनल एसे, व्यक्तिगत निबंधों के वे महारथी थे। ही राइट्स इन ए स्टाइल विच इज इंटीमेट, ह्यूमरस एंड परसुएसिव। और उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा, उनके लिखने का तरीका इतना अच्छा था कि उसमें उनके जो लेख हुआ करते थे वो काफ़ी हास्यास्पद हुआ करते थे और जीवन के काफ़ी करीब हुआ करते थे, जीवन के जीवन से जुड़े हुए लेख हुआ करते थे और साथ ही साथ काफ़ी परसुएसिव होने का मतलब है कुछ कहना, कुछ व्यक्ति से कोई चीज़ कहना, कुछ असर डालना, इस तरह के निबंध हुआ करते थे। अब लेसन के बारे में बताते हैं, अबाउट द लेसन। This lesson has been selected from Leaves in Wind, which gave him fame. ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फेलो ट्रेवलर, इसको Leaves in Wind से लिया गया है और यह वह पुस्तक है, यह वह कृति है ए जी गार्डिनर की जिससे उनको काफ़ी शोहरत मिली थी। It recounts a train journey that the author undertook in a slow local train and his encounter with a mosquito.
ये जो लेख है इसमें उन्होंने एक ट्रेन यात्रा के बारे में बताया है जो उन्होंने धीमी गति से चलने वाली लोकल ट्रेन में किया था। और इस ट्रेन यात्रा में उनका जो एक मच्छर के साथ मुठभेड़ हुआ था उससे संबंधित है। द मॉस्किटो वाज हिज फेलो ट्रेवलर। मॉस्किटो या मच्छर उनका सहयात्री था, मतलब उनके साथ यात्रा किया था उस ट्रेन में। इन दिस एसे ही डेवलप्स ए फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर ए मॉस्किटो रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रेवलर। इस निबंध में या इस लेख में उन्होंने एक मच्छर के प्रति आकर्षण या प्रेम या स्नेह के भाव को विकसित किया था और उसको सम्मान में एक सहयात्री कहा। दो द मॉस्किटो ट्रबल्स द आथर वेरी मच एट ही डिड नॉट नो हार्म एज ही बिलीव्ड दैट एवरी क्रीचर हैड ए राइट टू लिव। जब यात्रा के दौरान उस मच्छर ने लेखक को बहुत तरह से कष्ट देने का प्रयास किया था लेकिन वही उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, उसका नुकसान नहीं किए क्योंकि वे विश्वास करते थे कि हर प्राणी को जिंदा रहने का बराबर बराबर हक है। सो ही फॉलोड द प्रिंसिपल लिव एंड लेट अदर लिव। और वो इस सिद्धांत के हिमायती थे, जियो और जीने दो जिसे कहते हैं, खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो वाले सिद्धांत के हिमायती थे ए जी गार्डिनर। दस्त इससे ए फेलो ट्रेवलर टेक अस दो डिफरेंट स्टेट ऑफ एसेस्ट माइंड एस ही ट्राइज टू डील विथ द मॉस्किटो। इस प्रकार से यह जो एसे है, यह जो लेख है फेलो ट्रेवलर, वह लेखक की दिमाग की विभिन्न दशाओं का वर्णन करता है। दिमाग की जो विभिन्न स्थितियां होती हैं उसका वर्णन करता है और वे दशाएं उनके मानसिक दशा उनके अंदर तब देखी गई जब वे एक मच्छर के साथ यात्रा कर रहे थे। दिस इज व्हाई द प्रेजेंट एसे ए फेलो ट्रेवलर इज कंसिडर्ड ए फाइन स्पेसिमेन ऑफ मिस्टर एजी गार्डिनर बाय सेवरल क्रिटिक्स। और यही एक कारण है कि ए फेलो ट्रेवलर को आलोचकों के द्वारा एक बेहतरीन जैसे बताया गया मिस्टर एजी गार्डिनर का। जो आलोचक थे, आलोचक सबके हुआ करते हैं, तो जो साहित्य जगत के आलोचक थे उन्होंने ए फेलो ट्रेवलर को एजी गार्डिनर का एक बेहतरीन कृति बताया।